भारत ने शान से जीती T20 सीरीज। चौथे T20 में वेस्टइंडीज को किया पस्त। वनडे के बाद T20 में भी वेस्टइंडीज को हराया। अमेरिका में भी टीम इंडिया ने तिरंगा लहराया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए चौथे T20 मैच को टीम इंडिया ने 59 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 की बढ़त बनाते हुए शान से सीरीज भी जीत ली। इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के यूं तो कई सारे हीरो रहे, लेकिन इस मुकाबले में ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और आवेश खान ने टीम इंडिया की जीत की कहानी लिखी। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने चौथे T20 मैच में वेस्टइंडीज को मात दी। भारत ने 59 रनों से जीता चौथा T20। चौथे T20 मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19.1 ओवर में 132 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत ने चौथे T20 मैच को 59 रनों से जीतकर T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली। चलिए अब आपको बताते हैं टीम इंडिया की जीत के हीरोज के बारे में। रोहित ने तोड़ा, पंत ने फोड़ा। इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मैदान पर उतरी। रोहित ने मैदान पर उतरते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए, वो बड़े बड़े शॉट्स लगाने लगे। वहीं दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने इस मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली। इसके बाद रोहित शर्मा आउट हो गए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 24 रन बनाए। इसके बाद संजू सैमसन ने भी नॉट आउट 30 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए ऋषभ पंत ने। पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन। रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत ने टीम इंडिया की बागडोर संभाली और सिर्फ 31 गेंदों में 44 रन जड़ दिए। पंत ने बड़ी ही समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। कमजोर गेंदों को उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाया और अच्छी गेंदों को सम्मान दिया। पंत ने अपनी इस पारी में 6 चौके भी लगाए। अक्षर पटेल ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन। अक्षर पटेल भारतीय पारी के अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 20 रन ठोक दिए। अपनी इस पारी में अक्षर पटेल ने 2 छक्के और 1 चौका भी लगाया और अक्षर पटेल की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत ही टीम इंडिया 191 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई। इसके अलावा जब अक्षर पटेल की गेंदबाजी की बात आई तो भी अक्षर पटेल ने वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और टीम इंडिया की जीत में अहम जिम्मेदारी निभाई। आवेश खान ने तोड़ी वेस्टइंडीज की कमर। 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर उतरी तो आवेश खान ने ही विंडीज के बल्लेबाजों को शुरुआती झटके देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आवेश खान इस मैच से पहले सभी मुकाबलों में काफी महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन चौथे मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज को 2 शुरुआती झटके दिए और टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया। गेंदबाजी की बात करें तो आवेश खान के अलावा भारत की तरफ से रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट चटकाए तो वहीं अर्शदीप सिंह ने भी 3 विकेट लिए और भारत की जीत पक्की करने में अहम किरदार निभाया। दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस सीरीज के 4 में से 3 मैच जीत लिए हैं, क्या 5वां मुकाबला भी टीम इंडिया जीत पाएगी? क्या टीम इंडिया एक बार फिर से अमेरिका में तिरंगा लहरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।